सो दोस्तों, आज हमारे पास है हीरो की मोस्ट पॉपुलर बाइक जो कि 2022 मॉडल है। ये हीरो की सुपर स्प्लेंडर। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं डिटेल से। ये 125 सीसी की बाइक है और मैं आपको एक अपडेट और भी दे देता हूँ, पैशन प्रो एक्सटेक आने वाली है। सो उसका भी वीडियो आपको जल्द चैनल पर देखने को मिलने वाला है। और अभी जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलता है। ड्रम की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाले 92,000 के आसपास विद एसेसरीज, एंड डिस वाली की आपको ऑन रोड प्राइस बनने वाले 96,000 विद एसेसरीज। इसमें आपको हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर सब कुछ मिल जाते हैं। इसमें जो भी अपडेट आए हैं उसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। सामने से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। हेडलाइट आपको हैलोजन मिल जाती है। यहाँ पे आपको 3D लोगो मिल जाएगा। इंडिकेटर आपको बल्ब मिलने वाले हैं। और इसके मिरर की बात करें तो ये कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। सामने आपको थोड़ा सा क्रोम वर्क देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है। और ये रहा फ्रंट का व्यू। मडगार्ड की बात करें तो आपको ये फाइबर वर्क के साथ में आएगा। और सस्पेंशन की भी हम बात कर लेते हैं। सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाएगा टेलीस्कोपिक। और रियर की बात की, ये रहा आपका रियर में आपको मिल जाएगा 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, जो कि ये भी अच्छा सस्पेंशन होता है। एंड ज़्यादातर आपको कंप्यूटर बाइक में यही सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं, इसकी हेडलाइट ऑन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाइक ऑन कर लेते हैं। सो ये रही इस बाइक की आपको कुछ ऐसी की मिलने वाली है। और यहाँ से मैं बाइक ऑन कर देता हूँ और सेल्फ से भी ऑन कर देता हूँ और सामने चल के देख लेते हैं। सो ये रही इसकी हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। हाई बीम कर देता हूँ मैं। एक्चुअली ये रहा हाई बीम पे अच्छा थ्रो मिलने वाला है। नाउ ये रहा इंडिकेटर, ऐसे कुछ दिखेगा। टेल लाइट भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ये रही इसकी टेल लाइट, आपको हैलोजन बल्ब मिल जाती है, इंडिकेटर भी आपको बल्ब मिल जाएंगे। रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। और अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। सो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, आप लोगों ने देखा। और अभी हम इसके टायर की बात कर लेते हैं। आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। टायर साइज़ की बात करें फ्रंट में आपको मिलने वाला है 80x100 का। और रियर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आपको थोड़ा सा वाइडर मिलने वाला 90x90 सेक्शन का मिल जाएगा। और व्हील की बात करें तो आपको 18 इंच की अलॉय व्हील मिलने वाली है फ्रंट एरियर में। ब्रेक की बात करें तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, डिस एंड ड्रम। ये ड्रम वेरियंट है। डिस वाले में फ्रंट में आपको डिस मिल जाएगी, रियर में ड्रम। और ड्रम वाले में फ्रंट में ड्रम, रियर में भी आपको ड्रम मिलने वाला। साथ में आपको मिल जाता है ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं IBS, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर का ब्रेक लगाते हो तो आपका पिछला ब्रेक लगने वाला, जैसे CBS काम करता है वैसे ही करने वाला है। और सस्पेंशन पे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है। ये रहा इसका लेग गार्ड जो कि आप देख सकते हो। हॉर्न वहाँ पे मिल जाएगा, कैटलेटिक कन्वर्टर जिसे हम BS6 की पहचान मानते हैं। यहाँ पे एक कवर लग जाएगी तो अच्छा दिखने वाला है ये। और ये रहा इसका इंजन जो कि सिल्वर कलर एंड ब्लैक कलर के साथ में आने वाला है। आपको किक मिल जाएगी इसमें, राइडर फुटरेस्ट। ये आपका ब्रेक पैड, यहाँ पे आपको FI की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसमें आपको FI मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्टर जिसे बोलते हैं। यहाँ पे आपको RCS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। RCS के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट। ये रहा इसका साइलेंसर। इसका साउंड मैं आपको स्टार्ट या एंड में सुना दूंगा। आपको साइलेंसर कवर मिल जाती है क्रोम वर्क के साथ में। और यहाँ की बात करें आपको ऐसा कुछ स्टिकर वर्क मिलने वाला है, हीरो की ब्रांडिंग। ये रही इसकी सीट काउल, बहुत ही गजब ग्राफिक के साथ में आती है। ये कलर 2021 में आया लेकिन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, और ये कलर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको सुपर स्प्लेंडर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टैंक की बात करें तो आपको मेटल वर्क के साथ में आने वाला है। और अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं। सो ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे इसके रियर साइड में। तो पहले हम इंजन के बारे में जान लेते हैं। सो ये रहा इसका इंजन। इसके इंजन की बात करें तो आपको मिल जाएगी 124.7 सीसी का इंजन, जिसमें आपको पावर मिलने वाली है 10.8 PS एस 7500 RPM। और आपको टॉर्क मिल जाएगा 10.6 Nm एस 6000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्टॉक, 2 वॉल्व, एयर कूल FI, और साथ में आपको मिलने वाला है 5 स्पीड गियर बॉक्स। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। और भी हम चलते हैं इसके रियर वाले साइड में। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। टेल लाइट की बात करें तो आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है। ये रहा इसका मडगार्ड। सो रियर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और आ जाते हैं हम इसके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा जो कि मेटल वर्क के साथ में आएगा। एंड चैन कवर आपको मिल जाएगी, पिलियन राइडर फुटरेस्ट। सीट काउल की बात करें तो ऐसा आपको ग्राफिक्स मिल जाएगा जैसे हमने उधर देखा था। और यहाँ की बात की आपका राइडर फुटरेस्ट, साइड स्टैंड मिल जाता है। अभी आपको इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का अपडेट मिल जाता है, पहले नहीं था। और ये आपका मिल जाता है डुअल स्टैंड, इसमें मिल जाएगा। ये रहे इसके गियर पैर। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं। और ये रहा इसका लेग गार्ड। इंजन ऐसे कुछ दिखने वाला है, क्रोम वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। टैंक पे आपको सेमी ग्राफिक्स मिलने वाला जैसे हमने उधर देखा था। और थोड़ा दूर से हम देख लेते हैं।
सो ये बाइक लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। ये रहा इस बाइक का लेफ्ट साइड का फुल व्यू, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कंफर्ट के बारे में। ये रही इसकी सीट, आपको इसमें सिंगल सीट मिलने वाले, इसमें आपको कंफर्ट अच्छा मिल जाता है राइडर एंड पिलियन राइडर को। इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है और आपको सिल्वर कलर के साथ ऐसा ग्रैबर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलने वाली है। और अभी बात कर लेते हैं इसके टैंक की। ये रहा इसका टैंक जो कि आपको मेटेलिक मिलने वाला है, तो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है और दोनों तरफ आपको सुपर स्प्लेंडर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जिसकी माइलेज आपको मिलने वाली है अप्रॉक्स 65 के आसपास। बाकी तो डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। और अभी बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। सो इसमें आपको नया मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। पहले आपको फुली अलॉन्ग मिलता था, अभी आपको डिजिटल मिल जाता थोड़ा सा। यहाँ पे ये आपका शो करेगा स्पीड, शो करेगा और आपको 40 से 50 के आसपास आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे आपको मार्क बना हुआ मिल जाएगा। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे आपका फ्यूल का बताएगा, ये आपका टाइम भी बताएगा एंड ओडोमीटर आपका यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको कूल सा मीटर कंसोल मिल जाता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, आप देख ही सकते हो। और भी बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। और यहाँ पे आपको सेट रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो हैंडल बार की बात की तो आपका टोटल बैक लीवर आई थ्री एस के बारे में आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। आई थ्री एस आपका ऐसे काम करता है, पहले मैं आपको बता दूँ, ये बाइक अगर आप 5-6 किलोमीटर चला चुके होंगे तभी आपकी आई थ्री एस काम करने वाला है। अगर आप आई थ्री एस ऑन करते हो तो आपको बार बार बाइक को की से ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हो ऑटोमेटिक आपकी बाइक ऑफ हो जाएगी। जब आपको स्टार्ट करना होगा आप क्लच प्रेस करके आसानी से बाइक को स्टार्ट कर लेते हो। इससे कंपनी क्लेम करती है आपका 15% माइलेज इंक्रीज होता है। मैं बोलता हूँ 15% नहीं होता, अगर 10% भी होता है तो भी काफ़ी अच्छा है एंड यूजफुल है हमारे लिए। सो आई थ्री एस का ये यूज है हमारी लाइफ में इस बाइक के लिए। और ऐसा कुछ आपको रेसिंग हैंडल बार मिल जाता है, यहाँ पर आपको सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। और इधर के स्विचेस की बात करें, यहाँ पर आपका अपर डिपर मिल जाएगा, इंडिकेटर हॉर्न, ये आपका पासिंग हो जाएगा, ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। अभी इस बाइक का डायमेंशन की बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ आपको मिलने वाली है 2042 mm, विड्थ है इसकी 740 mm, हाइट है इसकी 1102 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर, सेडल हाइट है 799 mm, ग्राउंड के साथ आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 180 mm, व्हील बेस है इसका 1273 mm और इसका वेट आपको मिलने वाला 123 kg। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 4-5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, मैंने सारे कलर दिखाए हैं एक वीडियो में। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना ये कलर कैसा लगा। और ये मुझे सुपर स्प्लेंडर का सबसे अच्छा कलर लगता है, ये मुझे बहुत पसंद आया ये कलर। और अगर आप देख रहे हो एक पेस बजट फ्रेंडली 125cc की बाइक, जिसमें आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, साथ में आपको लुक भी अच्छा मिल जाए, सो आप इस बाइक की तरफ आसानी से जा सकते हो, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली रहने वाली है। और साथ में मार्केट में इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा है और हीरो ब्रांड की है, तो इस पर आप भरोसा भी कर सकते हो। इसकी रिसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।